बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के परिवार में इस वक्त दुख का माहौल है। मलाइका के पिता अनिल मेहता ने बुधवार 11 सितंबर को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट की छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। अनिल के निधन से मलाइका और उनका पूरा परिवार सदमे में है। 12 सितंबर को अनिल मेहता का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुसाइड से पहले अनिल ने अपनी दोनों बेटियां मलाइका और अमृता को आखिरी कॉल किया था। ऐसे में मलाइका के बेस्ट फ्रेंड अनिल के आखिरी कॉल वाली बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा के सौतेले पिता अनिल मेहता ने सुसाइड से पहले अपनी बेटियों को फोन किया था। ऐसे में अब मलाइका के एक करीबी दोस्त ने टाइम्स नाउ से बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मलाइका के करीबी दोस्त ने बताया, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मलाइका या उनकी बहन अमृता ने अपने पिता से ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी। अगर उन्होंने उनसे बात की होती तो दोनों बेटियां, जो अपने पिता के लिए पूरी तरह से समर्पित है, वो ऐसा कभी नहीं होने देती। इस बातचीत में करीबी दोस्त ने आगे कहा, मरने वाले के प्रति अगर आपको दिलचस्पी है तो उनके प्रति शालीनता से पेश आना चाहिए। वो बीमार है, थके हुए हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में किसने दी? मुझे संदेह है कि ये पुलिस ने दिया है। इससे पहले परिवार के किसी सदस्य ने कहा था कि मलाइका के पिता की मौत आत्महत्या नहीं है, ये गंभीर मामला है। फिलहाल हम मलाइका अरोड़ा और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने में शक्ति मिलने की कामना करते हैं।